ए फैमिली वेलकम बैक। आप देख रहे हैं निधिस पिंक वर्ल्ड। इस चैनल पे मैं शॉपिंग हॉल, होम डेकोर, डीआईवाई और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हॉल मेरा फ्लिपकार्ट से है। फ्लिपकार्ट से होम डेकोर की मैंने कुछ चीज़ें ली हुई हैं, उसको मैं शेयर करूँगी वीडियो में। ये मेरा फर्स्ट एक स्टैचू है, बुद्धा का क्यूट सा स्टैचू है। ये रेजिन आर्ट का बना हुआ है। छोटे से क्यूट से बुद्धा के साथ हमें ये कुछ धूप बोलते हैं आई थिंक इसे, ये मिल जाते हैं 10 के अराउंड पीसेस में। प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी सारे का प्राइस। ये आप इस पे ऐसे रख के और जला सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे इसका जो स्मोक निकलता है वो झरने टाइप का लुक देता है। जला के रखने के बाद आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लुक दे रहा है ये। नेक्स्ट मैंने एक और बुद्धा लिया हुआ है, ये भी फ्लिपकार्ट से ही है। इनका भी प्राइस मुझे याद नहीं है, बहुत ही बड़े साइज के हैं ये। वो वाला छोटा साइज का था। ये भी रेजिन आर्ट का ही बना हुआ है। ध्यान की मुद्रा में बुद्धा जी बैठे हुए हैं। यह फ्रंट साइड से देख सकते हैं, ब्लैक कलर के हैं। उनका ड्रेस ऑरेंज कलर से बना हुआ है। दुपट्टे पे इनके आई थिंक जरी बोलते हैं वो वर्क किया हुआ है। मैंने सारी अनबॉक्सिंग पहले कर ली थी क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने घर के लिए मंगाई हुई हैं कुछ टाइम पहले, इसलिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से रैपर में पैक होके आई थी। ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी का है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे इनको प्लेस करने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। आगे मैं एक बुद्धा कॉर्नर भी क्रिएट करूँगी इनके इन बुद्धा से ही। तो आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही प्यारे बुद्धा जी हैं ये। ये दोनों को एक साथ रखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट एक 49 रुपीज़ का मैंने फ्लावर लिया था, मैंने बस चेक करने के लिए ऑर्डर कर दिया था, बट ये बहुत ही प्यारे क्वालिटी में आया है। आप इसके लीफ देख सकते हैं, बिल्कुल रियल लग रहे हैं ये। अलग अलग पीसेस में ये फ्लावर आए हुए थे। 49 में आपको क्या मिलेगा, बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल रियर रोज लग रहे हैं ये। टेन या 11 के अराउंड मुझे ये पीसेस मिले हुए हैं रोज के। आप इन्हें एक साथ या अलग अलग लगा सकते हैं। बिल्कुल रियल सा लुक आ रहा है, जो रियल वाला इंडियन रोज होता है वही कलर भी है। बैक साइड से भी आप इसकी पंखुड़ी देख सकते हैं, बिल्कुल रियल है। 3-4 आई थिंक 10 के अराउंड फ्लावर्स मिल जाते हैं आपको। ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से पैक हो गया था, बट मैंने उस टाइम ही हटा दिया था रैपर। बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसकी। पता नहीं अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, बट बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गया था मुझे ये। मुझे यकीन नहीं था कि 49 रुपीज़ में इतने फ्लावर्स आएंगे इतने प्यारे, बट बहुत ही अच्छे मिले हैं। कुछ सुपर कॉइन्स भी लगे थे मेरे। आप क्वालिटी देख रहे हैं, बिल्कुल रियल फ्लावर लगते हैं जहाँ भी आप इन्हें रखेंगे। लीफ भी बिल्कुल रियल लग रही हैं। आप इनके आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रख के दिखाया हुआ है पॉट में। एक DIY पॉट है मेरा जिसमें मैंने इन रोजेज को रखा हुआ है। मैं सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बुद्धा भी साथ में रखा हुआ था। नेक्स्ट मैंने एक ये हुक लिया हुआ है, किसी भी चीज़ों को हैंग करने के लिए आप टाइल्स, ग्लास या मार्बल वगैरह पे स्टिक कर सकते हैं। जहाँ पे आप नेल नहीं लगा सकते उसके लिए है। अंदर में बहुत ही हार्ड ग्लू दिया हुआ है, मैंने हैंग करके दिखाया है आगे आपको। 360 में रोटेट हो जाते हैं इनके हुक, उन जगह पे जहाँ पे आप नेल नहीं लगा सकते वहाँ पे इजली इन्हें स्टिक कर सकते हैं। 10 kg के अराउंड इन्होंने वेट लिखा हुआ है वेबसाइट पे कि 10 kg के अराउंड ये भार उठा सकते हैं। 4-5 मैंने यूज कर लिया है। यहाँ पे मैंने फेविकोल वाला एरिया निकाल के दिखाया था। ग्लू कैसा है इसका, ऐसे जैसे स्टिकर निकालते हैं हम, वैसे ही बिल्कुल निकाल के इसे और स्टिक कर दे रहा है। वॉल पुट्टी वाले दीवार पे आप इसे नहीं स्टिक कर सकते, ओनली ग्लास, मार्बल, टाइल्स पे स्टिक कर सकते हैं आप। इसका भी प्राइस मुझे याद नहीं है, मैंने
बाथरूम और किचन में इसे स्टिक किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं मैंने किचन में स्टिक किया हुआ था, लीफ को हटा के दिखा दिया मैंने। एक ये किचन डेकोर है जिसे मैंने DIY किया था क्ले आर्ट से, उसको हैंग करने के लिए मैंने ये हुक यूज किया हुआ है किचन में। नेक्स्ट मैंने ये लीफ ऑर्डर किया हुआ है, दो के सेट में ये लीफ मिल जाता है आपको। एक में आपको 7 या 8 लीफ मिल जाती हैं। ऐसा ही रियल प्लांट आता है बट उसका नाम मुझे पता नहीं है अभी। बिल्कुल रियल लुक दे रहा है ये लीफ, आप कहीं भी लगाएंगे बिल्कुल रियल लुक देगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी आई है, बहुत ही शाइनी इसकी लीव्स हैं। लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन दोनों कलर में ये लीफ आपको मिल जाते हैं मिक्स में। बहुत ही प्यारी क्वालिटी है, आप देख पा रहे हैं मैंने दिखा दिया है। दो पत्ते दो कलर के हैं इसके। आगे मैंने इसको भी रख के दिखाया हुआ है कि कैसा लगता है ये प्लेस करने के बाद। आप इसे उन जगह पे जहाँ पे रियल प्लांट्स नहीं रख सकते हैं वहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट एक केटल में रखा था बट वो अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो फिर मैंने पहले वाले पॉट में आपको रख के दिखा दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं इसका बिल्कुल रियल लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। आप इसे ज़रूर से लेना अगर आप कुछ ऐसा डेकोरेटिव पीस लेना चाहते हो तो। दोनों अलग अलग लीप भी लगा सकते हैं और साथ में भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट मैंने लीफ की क्या बोलते हैं इसे, लंबी लंबी डोरी जैसा कुछ आता है वो भी लिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। बहुत ही उलझ गया है मेरे से, ये आया था तो बिल्कुल सही था, मैंने इसे रखने में ऐसे रख दिया तो ये उलझ गया है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, छोटे वाले मनी प्लांट के शेप में है ये। आगे मैंने इसे दिखाया है कि मैंने कैसे डिजाइन किया था, ये देखिए आप देख पा रहे हैं मैंने इसे कैसे डिजाइन किया हुआ है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसका भी प्राइस मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले इसे लिया हुआ था, बट आप कहीं भी एरिया में इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप अपने केबल को भी डेकोरेट कर सकते हैं, बैक वॉल को भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।